हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे रेलवेज एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? हमारे जो ऑप्शन है ए कोबाल्ट, बी ओम, सी टेस्ला या डी एम्पियर। तो हमारा जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी टेस्ला। टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है। इसी प्रकार ओम जो है वो प्रतिरोध की इकाई है और जो एम्पियर है वो विद्युत धारा की इकाई है, विद्युत धारा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियात्मक है? हमारे ऑप्शन है ए कॉपर, बी कैल्शियम, सी आयरन या डी जिंक। तो हमारा जो सही आंसर है वो होगा बी कैल्शियम। जो सबसे अभिक्रियात्मक धातु है वो है कैल्शियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्कार्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है विटामिन ए, बी विटामिन B12, सी विटामिन के या डी विटामिन सी। जो हमारा सही आंसर है वो है डी विटामिन सी। आपको मैं बताऊंगा कि जो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है वो होता है स्कार्बिक एसिड या स्कार्बिक अम्ल। इसी प्रकार विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो है रेटिनॉल और विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है कोबाल्मिन और विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फिलोपिनॉन, फिलोपिनॉन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, चेचक के लिए पहली वैक्सीन की खोज किसने की थी? हमारे ऑप्शन है ए लुईस पाश्चर, बी एडवर्ड जेनर, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या डी जॉन हंटर। तो हमारा सही आंसर है वो होगा बी एडवर्ड जेनर। जो पहले चेचक की वैक्सीन की खोज की थी वो थे एडवर्ड जेनर। इन्होंने 1796 ईस्वी को इस वैक्सीन की खोज की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी होती है? हमारे ऑप्शन है ए विटामिन के, बी विटामिन सी, सी प्रोटीन या डी विटामिन ए। तो जो हमारा सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। जो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम अभी हमने बताया था रेटिनॉल और इसकी कमी से जो रोग हो जाता है उसको रतौंधी कहते हैं। इसी प्रकार विटामिन के का जो रासायनिक नाम फिलोपिनॉन था और इसकी कमी से जो रक्त का थक्का है वो जमना नहीं जम पाता है। इसी प्रकार विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक अम्ल और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग। और इसी प्रकार प्रोटीन जो है प्रोटीन की कमी से क्वाशर कोर नामक तथा मैरमस नामक बीमारियां हो जाती हैं। जो प्रोटीन जो है 22 प्रकार के एमिनो एसिड से बना हुआ होता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है? हमारे ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी या डी विटामिन बी। जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी
विटामिन डी है, इसका जो रासायनिक नाम है उसका नाम है कैल्सीफेरॉल, और कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है रिकेट्स। रिकेट्स मतलब सूखा सूखा रोग हो जाता है, ये विटामिन डी की कमी से हो जाता है। इसी प्रकार विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, बेरी बेरी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। हमारे ऑप्शन है ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, या डी अकबर। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो है ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि जिंदा पीर किसको कहा जाता है, तो इसी को औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सबसे बड़े तारामंडल होने की दर्जा प्राप्त है। हमारे ऑप्शन है ए हाइड्रा, बी डोरेडो, सी एंटीला, या डी क्रूज। जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तत्व को पहचाने जो प्रपटी में सबसे अधिक मात्रा में है। हमारे ऑप्शन हैं ए आयरन, बी सिलिकॉन, सी ऑक्सीजन, या डी हाइड्रोजन। जो हमारा सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है भूप्रपटी पर लगभग 46% मिलता है। इसी तरह दूसरे नंबर पर जो है वो सिलिकॉन जो है 27.7% पाया जाता है, और तीसरे नंबर पर है वो है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम वो है 8.1%। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। हमारे ऑप्शन है ए यूके, बी भारत, सी चीन, या डी जापान। जो हमारा सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी चीन। जो चीन की संसद में 3,000 मेंबर्स हैं, और यह उसे दुनिया की सबसे बड़ी संसद बनाते हैं। आपको मैं बता दूं, यूके की जो कैपिटल है उसको लंदन कहते हैं, यूके की कैपिटल लंदन है, भारत की कैपिटल है नई दिल्ली, और चीन की कैपिटल है बीजिंग, बीजिंग। जापान की कैपिटल है टोक्यो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वियाहुला गिद्धा भारत के किस राज्य की शादियों के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। हमारे ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी पंजाब, या डी झारखंड। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सी पंजाब। पंजाब की जो शादियों के दौरान किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य है वियाहुला गिद्धा, यह पंजाब में होता है। पंजाब की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, चंडीगढ़, और यहाँ पर सीएम है अरमिंदर सिंह, अरमिंदर सिंह, कैप्टन अरमिंदर सिंह। और यहाँ पर जो राज्यपाल हैं वो हैं वीपी सिंह बदनौर, वीपी सिंह बदनौर। इसी तरह उड़ीसा में जो
उड़ीसा में जो सीएम है उनका नाम है, उड़ीसा के सीएम जो हैं उनका नाम है उड़ीसा को जो सीएम है उनका नाम है नवीन पटनायक, और यहाँ पर गवर्नर हैं गणेशी लाल, गणेशी लाल। और उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। इसी प्रकार गुजरात में जो सीएम है विजय रूपाणी, और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इसी प्रकार झारखंड की बात करें, झारखंड की राजधानी है रांची, यहाँ पर सीएम है हेमंत सोरेन, और यहाँ के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किसने मेहर उद निसा से निकाह किया और उसे नूरजहाँ की उपाधि दी थी? हमारे ऑप्शन है ए शाहजहाँ, बी औरंगजेब, सी अकबर या डी जहांगीर। हमारी जो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। जहांगीर ने मेहर उन निसा से निकाह के आरोप से नूरजहां की उपाधि दी थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में अंग्रेज़ों के खिलाफ गुजरात के बारदोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हमारे ऑप्शन हैं ए वल्लभ भाई पटेल, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी लोकमान्य तिलक या डी जवाहरलाल नेहरू। हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने ही गुजरात के बारदोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित सबसे पुराने बंदरगाह का नाम बताइए। हमारे ऑप्शन है ए कोलकाता बंदरगाह, बी चेन्नई बंदरगाह, सी मुंबई बंदरगाह या डी विशाखापत्तनम बंदरगाह। हमारा जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता बंदरगाह। अब इस बंदरगाह को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित सबसे पुराना बंदरगाह है। हमारा चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में चार धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? हमारे ऑप्शन है ए बद्रीनाथ, बी गंगोत्री, सी वैष्णो देवी या डी केदारनाथ। हमारा सही जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी वैष्णो देवी। जो वैष्णो देवी है यह चार धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? हमारे ऑप्शन है पुरुष पुराण, बी भाग्यनगर, सी मछलीपट्टनम या डी प्राग्ञज्योतिषपुर। हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्राग्ञज्योतिषपुर। जो गुवाहाटी का शहर का ऐतिहासिक नाम था वो था प्राग्ञज्योतिषपुर, और इसका मतलब होता है लाइट ऑफ ईस्ट, मतलब पूर्व का प्रकाश। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे छोटे ज़िले का नाम बताइए। हमारे ऑप्शन है ए हाई लाकांदी, बी गुंटूर, सी अलीराजपुर, डी माहे। जो हमारा सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर डी माहे। माहे जो है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला है। इसका क्षेत्रफल मात्र 9 वर्ग किलोमीटर है। और जो सबसे बड़ा ज़िला है भारत का वो है गुजरात का कच्छ, गुजरात का कच्छ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे
पश्चिमी स्थान का नाम बताओ। हमारे ऑप्शन हैं ए अमरेली, बी दाहोद, सी भरूच या डी गोहरमोटा। हमारा जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी गोहरमोटा। जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी स्थान यह है गोहरमोटा। इसी तरह मैं आपको बताऊंगा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबीथू या अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंद्रा कॉल, वो है जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में इंद्रा कॉल। और सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। हमारे ऑप्शन है ए सुकुमार सेन, बी टी एन सेशन, सी सुनील अरोड़ा या डी एम एस गिल। हमारा जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट मींस किस सम्राट के दरबार में भेजा था। हमारे ऑप्शन है ए हुमायूं, बी शाहजहां, सी अकबर, डी जहांगीर। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। जो 1605 में जब अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठता है, तब जो कैप्टन विलियम्स हॉकिंस थे वो जहांगीर के दरबार में आते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जय हिंद।